जी, आपका एक अलग सा किरदार है पाकिस्तान में। आप सिर्फ दूसरे ऐसे हिंदू पाकिस्तानी क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान टीम में एक तरह से खेला है, नाम बनाया है। दानिश जी, पाकिस्तान में रहकर एक हिंदू होना आपके लिए क्या मायने रखता है, और क्या ये जो कल्चरल रेनेसों, आप पहले भी जब आपने कभी कुछ धर्म की बातें की हैं तो आप ट्रोल हुए हैं, क्या बैकग्राउंड है, और आपके ऊपर, आपके मन के ऊपर क्या असर पड़ता है जब इन बातों के लिए आप ट्रोल होते हैं? हाँ, देखिए, मेरे मन पे कोई असर नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम बॉर्न हिंदू, आई विल डाई हिंदू। और बीइंग अ सनातनी धर्म, मुझे भगवान ने एक मौका दिया है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान की तरफ से खेला। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो धर्म पे मैं सेक्रीफाइस कभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि धर्म ही सब कुछ है हमारे लिए, और धर्म के लिए हमेशा आवाज जो है मैं उठाता रहूंगा, और हमेशा मैंने आवाज उठाई है। क्योंकि आपकी जिंदगी में आप जितने भी पैसे कमा ले, जितनी भी आप जो भी कर ले, आपको ग्लैमर मिल जाए, फेम मिल जाए, लेकिन धर्म से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, और धर्म ही हमारे लिए सबसे बड़ी एक चीज है, तो मैं उसको हमेशा जोड़ के रखता हूँ। ठीक है, कैरियर के अंदर उतार चढ़ाव होते, लेकिन समझौता नहीं कर सकता अपने धर्म के साथ, तो मैंने कभी भी समझौता नहीं किया अपने धर्म के साथ, बिकॉज आई एम अ डाई हार्ट हिंदू। पाकिस्तान में रहकर राम का फॉलोअर होना, राम की भक्ति करना, और राम मंदिर के बनने पर आपकी अपनी क्या इमोशंस हैं? मेरी इमोशंस बहुत है, क्योंकि मैंने आपको वही कहा शुरू से, वही बात कह रहा हूँ कि बीना सनातनी, चाहे पाकिस्तान में रहूँ, कहीं भी रहूँ, मेरे ऊपर लोग काफी ट्रोल करते हैं, काफी मुझे अनाप शनाप कहते हैं, गालियां देते हैं, मतलब कि धमकियां देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, बट मैं उससे कभी भी नहीं, जो है, डरता नहीं हूँ, क्योंकि श्री राम के भक्त हम, श्री राम लाला के चलाए हुए असूलों पर हमेशा चले, तो मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ जिसके साथ श्री राम है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।